ये जो आनंद प्रतिबिंब का स्पर्श करती हुई तमोगुण से उत्पन्न जो वृत्ति है, इसी का नाम क्या है? आनंदमय। आनंदमय क्यों है? क्योंकि आनंद की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? आनंद की प्रधानता होने से ये क्या हो गया? आनंद माया है, आनंद घन नहीं। आनंद घन है आत्मा, और ये जो कोश बतलाया जा रहा है ये क्या है? आनंदमय है, प्रधानता है, क्योंकि आनंद स्वरूप जो अपना आत्मा, उसका क्या है? उसके प्रतिबिंब का स्पर्श करती हुई जो वृत्ति है, अविद्या रूपा ही है, तो वो जो वृत्ति है उसका नाम क्या रख दिया है? आनंदमय कोश। क्या नाम रखा है? आनंदमय। ये जो है प्रिय और मोद प्रमोद रूप गुण वाला है, और अपना जहाँ मन चाही वस्तु प्राप्त होती है तब ये उत्पन्न होता है आनंदमय। तो कभी उत्पन्न होता है और कभी नहीं होता है। जागृत में कई बार क्या है, प्रतिकूल परिस्थिति होती है, दुखी होता है, ऐसे स्वप्न आदि में कभी उत्पन्न होता है कभी नहीं होता है। और जब पुण्य के अनुभव काल में जो पुण्यात्मा लोग है वो इस आनंदमय कोश को स्वयं अनुभव करते हैं। लोग तो मुखाकृति देख करके कहते हैं आज आप बड़े प्रसन्न चित लग रहे हैं, आज आप बड़े प्रसन्न चित लग रहे हैं, आनंदित लग रहे हैं, अनुमान करते हैं। तो अंतर में वो आनंदमय कोश में प्रतिष्ठित क्या है? आनंदमय कोश में प्रतिष्ठित होने से ये सूक्ष्मता, सूक्ष्म चिंतन है। ये सब क्या है? साधारण रूप से व्यक्ति सब किस में समझ लेता है? अंतःकरण में। इसमें समझता है, अंतःकरण समझता है, मन बुद्धि में। तो थोड़ा सा विभाग किया है, मन का भी है तो वृत्ति रूप ही, मन भी बुद्धि भी और ये आनंदमय कोश, लेकिन थोड़ा और विभाग करके बतला दिया है कि जो संकल्प विकल्प रूप वृत्ति है वो मनोमय कोश कहलाएगा, और जो कर्तापना भोक्तापना क्रियावान आदि जो ज्ञानवान आदि रूपा जो वृत्ति है वो बुद्धिमय विज्ञानमय कोश कहलाएगा, और जो आनंदाकार वृत्ति बनी रहती है जो आनंद रूप वृत्ति सुख रूप कहिए बनी रहती है तो उसको क्या कह दिया? आनंद की प्रधानता होने से उसको क्या कहा है? आनंदमय कोश कहा। लेकिन ये भी आत्मा नहीं, ये भी आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है वो आगे बतलाएंगे। तो संपूर्ण देहधारी बिना प्रयत्न के ही अपने पुण्य काल के उदय होने पर सबके सब आनंदमय कोश का स्वयं अनुभव करते हैं कि आज बड़ा आनंद बना है, आज भंडारा खाने को मिलेगा, आज क्या है, बड़ा ही आनंद है। ऐसा जो बना रहता है हृदय में ऐसी वृत्ति, उसका नाम क्या है? आनंद। अब आगे देखिए जी आप लोग, कौन सा श्लोक? 210 वर्ष देखिए। आनंदमय कोशस्य सुसुप्तौ स्फुतिरुत्कटा स्वप्न जागरयोरीशा
इष्ट संदर्शनादिना आनंदमय कोशस्य सुसुप्तौ स्फूर्तिः उत्कटा स्वप्नजागरयोः ईषद् इष्ट संदर्शनादिना आनंदमय कोशस्य उत्कटः स्फूर्ति सुसुप्तौ भवति। आनंदमय कोश की जो उत्कट विशेष स्पष्ट है, जो इसकी स्फूर्ति है, अनुभव है, वो सुसुप्तौ भवति कब होता है? सुसुप्ति में है। बड़ा आनंद आया, बड़े आनंद से सोया। क्या कहता है? मुझे कुछ भी ना किंचित अवेदिशम अहम सुखम अपस्वाप्सि, कुछ भी पता नहीं लगा और बड़े सुखपूर्वक सोया, बड़ा आनंद आ गया। कहते सारी व्यवस्था ठीक, पर कहना भाई नींद नहीं आई है, खाने को भी बढ़िया मिल गया है और पहनने को भी अच्छा मिल जाए, वैसे भी व्यवहारिकता भी ठीक ठाक निभा दी जाए, लेकिन सोने में क्या हो गई? गड़बड़ी हो गई। कहने लगी भाई सब गड़बड़ हो गया। लोग कहते हैं ना कि करते हैं हम तो सोने के लिए करते हैं कर्म सुखपूर्वक सो सके, ऐसे संसारी जीवों का भाव रहता है, भजन कर सके इसलिए नहीं, आत्मचिंतन कर सके इसलिए नहीं है? कि हम सब कुछ इसलिए करते हैं कि आराम से सो सके। मालकी लोग अज्ञान निद्रा में ही क्या है सुख का अनुभव होता है और जगना नहीं चाहते। क्या जगना नहीं चाहते हैं? इसीलिए आत्मकल्याण मोक्ष आत्मचिंतन का भाव उनके हृदय में आता ही नहीं। हाँ, जिसकी जो चाह होती है उसी के अनुसार प्रयत्न होता है ना। जिसकी जो इच्छा होती है तो धन पाना चाहता है, धन प्राप्ति के लिए प्रयत्न होता है। कोई व्यक्ति है वो धन प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है, इसका मतलब क्या है? तो वैसे ही कोई व्यक्ति है व्यायाम आदि कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है? स्वास्थ्य चाहता है। ऐसे ही कुछ लोग भोजन प्राप्ति के लिए यत्न में लगे हैं, तो क्या चाहते हैं? भोजन चाहते हैं। तो वैसे लेकिन ऐसे लोग वो थोड़े हैं जो आत्म कल्याण या आत्म चिंतन में लगे हैं और आत्म प्राप्ति चाहते हैं। क्या चाहते हैं? क्या क्या चाहते हैं? बहुत कम है जो आत्म संसार को ही चाहते हैं, अधिकतर विभिन्न रूपों में इसको चाहते हैं। इसको चाहने से क्या होना है? तो फिर भी बहता ही जा रहा है, कितना ही रोके रखो तो भी बहता ही जा। ऐसा नहीं है जैसे जो धन प्राप्त करना चाहता है तो ऐसा नहीं भोजन नहीं करता है या शरीर को स्वस्थ नहीं रखेगा या परिवार वालों को विचार नहीं करेगा, समय नहीं देगा, ऐसा नहीं है। वो सब कुछ करेगा लेकिन अधिक समय, अधिक बुद्धि, अधिक चिंतन किधर लगाएगा? हाँ, धन प्राप्ति। वैसे ही जो जिज्ञासु है वो यत किंचित जो आवश्यक प्रयत्न है वो तो किसके लिए करेगा? चाहे वो शरीर का स्वास्थ्य हो, चाहे जो जो अपना अपना कर्तव्य है,
लेकिन लक्ष्य क्या है उसका? ध्यान प्राप्ति। लक्ष्य क्या? ध्यान प्राप्ति। देखना चाहिए कि लक्ष्य क्या है। लेकिन परमात्म प्राप्ति सबका लक्ष्य, वैसे तो किसी से पूछो तो सबके सब क्या कहेंगे, क्या लक्ष्य है? परमात्म प्राप्ति। लेकिन जो वैराग्य विहीन है, सीधी सी बात है कि उनका लक्ष्य ना तो परमात्म प्राप्ति है ना हो सकता, झूठी बात है। ऊपर हाँ अंदर से इच्छा है कि हाँ चलो भाई गुलाब जामुन मिल जाए, चलो कोई बात नहीं, सेब भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, तो वैसा ही है, उत्कट अभिलाषा नहीं। और जो वैराग्यवान है उसको क्या होती है? उत्कट जिज्ञासा होती है, मूर्छा होती है, वो तो निरंतर इसी खोज में रहता है, इसी चिंतन में रहता है कि कैसे अज्ञान मिटे, कैसे तत्व साक्षात्कार हो। उसके लिए पहली पात्रता वैराग्य। वैराग्यवान जो है उसका ही ये चिंतन और निश्चय हो सकता है और ये लक्ष्य हो सकता है। जो वैराग्य विहीन है उनका लक्ष्य भी परमात्म प्राप्ति हो सकता है, लेकिन वो बाहर बाहर से अंदर से नहीं। बाहर से ऐसा लगता है कि लक्ष्य क्या है? परमात्म प्राप्ति, लेकिन अंतर में ऐसा नहीं। क्योंकि वैराग्यवान को ही तत्व प्राप्ति की तीव्र मुक्षा, दूसरों को नहीं। हाँ तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं कि जो आनंदमय कोश है सुसुप्ति में, इसकी विशेष रूप से क्या होती है? स्फूर्ति होती है, प्रकट होता है, अनुभव में आता है। इसमें आता है अनुभव में आता है, जो सबका अनुभव, समस्त जीवों का अनुभव क्या है? यही है कि भाई सोने में बड़ा आनंद आया और कुछ भी पता, ये तो समस्या है, कुछ भी पता नहीं लगा, अविद्या है ना। और ये अविद्या हट जाए तो फिर क्या है? ये फिर ये आनंद का, फिर क्या है? आनंद का। इसलिए सुसुप्ति में इसकी आनंदमय कोश की, जो आनंद प्रतिबिंब, जो अपनी आत्मा का प्रतिबिंब है आनंद घन का, उसका स्पर्श करती हुई जो तमोगुण की वृत्ति है, उसका नाम आनंदमय कोश बतलाया था। और सुसुप्ति में दृश्य तो नहीं है, किसी वस्तु का दर्शन, किसी वस्तु की प्राप्ति और किसी वस्तु का सेवन तो सुसुप्ति में होता नहीं है। ये किस में होता है? जागृत स्वप्न में होता है। वो भी किस में होता है? वो भी आनंदमय कोश में। लेकिन यहाँ पर जागृत में किसकी प्रधानता बनी रहती है? स्थूल शरीर की प्रधानता बनी रहती है, और प्राणमय कोश और मनोमय और विज्ञानमय, मतलब सबकी वो बनी रहती है। लेकिन प्रधानता सबसे ज्यादा किसकी होती है? नहीं, जागृत में प्रधानता सबसे अधिक किसकी होती है? स्थूल शरीर की, है ना। जागृत में विशेष प्रधानता स्थूल शरीर, और ये स्थूल शरीर का एक कोश है, और सूक्ष्म शरीर के कितने कोश बताए थे? तीन, है ना। कौन कौन से? प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय। ये सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आया तीन कोश, और एक कोश आएगा कारण शरीर के अंतर्गत, वो आनंद। कारण शरीर जो अज्ञान है, अविद्या ही है, वही उपाधि है, और अज्ञान अविद्या में ही क्या होता है? इसको जो आनंद सुख का अनुभव होता है उसको ही आनंदमय कोश, उस वृत्ति। स्वप्न जागरयो ईषद इष्ट संदर्शनादिना,
क्या बोला है, स्वप्न और जागृत में भी ईषद थोड़ा बहुत यत किंचित क्या होता है, इष्ट संदर्शनादिना, इष्ट वस्तु के दर्शन, इष्ट वस्तु की प्राप्ति है और अभीष्ट वस्तु का सेवन है, इसमें क्या होता है जागृत स्वप्न में भी इसकी क्या है यत किंचित प्रतीति है अनुभूति आती आनंदमय कोश। स्वप्न और जागृत में भी इष्ट वस्तु के दर्शन आदि के समय इस आनंदमय कोश का क्या होता है अनुभव होता है, लेकिन विशेष जो इसकी अनुभूति है वो कब होती है, सुषुप्ति काल में। तो सुषुप्ति में ये आनंद का अनुभव करता है। अब आप ये देखिए कि जब अविद्या जो है वो इतना आनंद रूप है तो विद्या कितने आनंद रूप है, सोए हुए में इतना सुख है, जगने में कितना सुख होगा, हाँ दृष्टांत बने हैं ना, स्वप्न दृष्टांत बनता है जगत के मिथ्यात्व में और सुषुप्ति दृष्टांत बनती है आत्मा की आनंद रूपता। सुषुप्ति में ना कोई विषय ना कोई वस्तु ना कोई व्यक्ति कुछ नहीं है, लेकिन आनंद का अनुभव होता है। इसका मतलब कहाँ से आया वो आनंद है, ये गुलाब जामुन में आनंद होता या धन में आनंद होता तो सुषुप्ति में किसी को भी सुख नहीं मिलना चाहिए, नहीं आनंद अनुभव में होना चाहिए, लेकिन सुषुप्ति में सब के सब सोने जाते हैं। किसी के पास कितना ही धन है, कितना ही ऐश्वर्य है, कितनी ही वस्तुएं हैं, भोजन सामग्री है, सब के सब क्या करते हैं, उनको सोने नहीं जाना चाहिए, क्या करना सोकर, लेकिन सब के सब जो है सोने जाते। इसका ये दृष्टांत बनता है कि वो जो आनंद है वो आत्मा का जो प्रतिबिंब है उसके स्पर्श उसको छूती हुई जो वृत्ति है तमोगुण की वो आनंदमय कोश है, उसके कारण से आनंद का अनुभव होता है। अब सुषुप्ति में इतना आनंद है तो जग गया जो अपनी आत्मा, चार अवस्थाएं होगी ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय, कितनी अवस्था होगी, चार अवस्था है। तो जागृत और स्वप्न इन दोनों की एक रूपता समझ लीजिए और जो तुरीय और सुषुप्ति है एक रूप तो नहीं है ये, लेकिन इसमें भी यत किंचित आनंद का अनुभव होता है सुषुप्ति में, तो ये आनंदमय है और तुरीय क्या है आनंद घन है, क्या है कितना भेद है, भेद नहीं होगा तो फिर दृष्टांत नहीं बनेगा। दृष्टांत और दारष्टांत में क्या होता है भेद तो होता ही है, नहीं तो फिर दृष्टांत किस बात का बनेगा, वो तो एक रूप हो जाएगा। तो जागृत के मिथ्यात्व में हेतु बनता है स्वप्न और आत्मा की आनंद रूपता में हेतु बनता है सुषुप्ति, दृष्टांत दृष्टांत बनता है, हेतु नहीं दृष्टांत, समझाया जाता है कि आत्मा ही आनंद घन है। ठीक है, जब ये बात समझ में आ गई तो प्रयत्न आनंद के लिए करोगे या आनंदमय के लिए करोगे या संसार के विषयों के सुख के लिए करोगे, इसके लिए करेंगे, क्या जी करेंगे तो वही हम जो हम करते आए हैं, आदत पड़ी है क्या ना, करेंगे वही आपकी सुन लेते यही बहुत है, करेंगे तो वही जो हम
जो हमें ठीक जचता है, जो हम करते आए हैं। क्या जी, वास्तव में सच्ची बात तो ये है महाराज, हम कुछ नहीं करते, हम तो गुलाम हैं। हम थोड़ा कुछ करते हैं, इंद्रियों के गुलाम हैं। जहाँ खींच ले जाती है, ले जाके डाल देती, वहीं डल जाते हैं। मन के गुलाम हैं, बुद्धि के गुलाम हैं, हम तो गुलाम हैं। आदमी वैसे ही अहंकार किए रहता है, मैं वैसे क्या गुलाम है। विषयों का गुलाम, इंद्रियों का गुलाम है, मन बुद्धि का गुलाम, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रशंसा सब चीज़ों गुलामी। अरे कितनी गुलामी है, तो थोड़ी सी प्रशंसा कर दे तू, थोड़ी सी किसी ने है क्या कर दिया, तिरस्कार कर दिया तो मर जा। बता, गुलाम है, दूसरों के आश्रित हैं। जब चाहेंगे जब तेरे को हंसा देंगे, जब चाहेंगे जब रुला देंगे, ऐसा काम क्यों करता है भाई है। दूसरों के हाथ में चाबी को दे करके रखे, अपने हाथ में चाबी होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरों का कोई भरोसा है, जब चाहेंगे जब क्या करेंगे, यूँ हंसा देंगे आप, और थोड़ी देर में रुला देंगे। चाबी किसने दी दूसरे के हाथ में, उसने नहीं ली, हम आप हमें दी। दूसरों के नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। समझदार आदमी अपनी चाबी किसके पास रखता है, अपने पास रखता है। दूसरे जो सोचते हैं, मानते हैं, देखते, उनका काम, ठीक है ना। और अपना जो संयम है, विवेक है, धैर्य है, संतोष है, वो अपना काम। तो इसलिए उसको कोई क्या बिगाड़ेगा, क्या बिगाड़ सकता, विवेकी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मूड का कोई कुछ बिगाड़ता नहीं, उसके बिगाड़ता नहीं, उसका बिगड़ा ही रहता है। मूड का क्या होता है, हर समय बिगड़ा रहता है उसका। और समझदार का कोई प्रयत्न करके भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। विवेक जिसके पास, उसका कोई क्या कर सकता है। जिसके पास विवेक है, तो सारे गुण वहाँ पर निवास करते हैं। सारे धैर्य, संतोष, सहन शक्ति, क्षमा, सरलता, दया, करुणा, सबके सब सद्गुण विवेकी के हृदय में निवास करते हैं। तो ऐसा जो विवेकी है, इसलिए विवेक का परित्याग नहीं होना चाहिए। धन का त्याग हो जाए, धन आपका त्याग कर दे, कोई बात नहीं। परिवार आप त्याग कर दो, परिवार आपका त्याग कर दे, तो भी कोई बात नहीं। शरीर का स्वस्थ पना है आपका परित्याग कर दे, शरीर रोगी हो जाए, तो भी कोई बात नहीं। लेकिन विवेक का परित्याग हो गया ना, समझो नाश हो गया, और सदा सदा के लिए हो गया, जन्म जन्मांतरों के लिए। इसलिए यत्न पूर्वक विवेक की रक्षा करनी चाहिए, और आपका विवेक क्या बन जाए, फिर धीरे धीरे वैराग्य के जल से सींचते सींचते आपका विवेक क्या हो जाए, ज्ञान हो जाए, बोध रूप हो जाए। विवेक क्या हो जाए, बोध रूप हो जाए, आत्मा का बोध रूप। फिर उसको तो क्या है, आनंद घन में अपनी आत्मा में ही प्रतिष्ठित हो जाए। इसलिए तो लोग कहते हैं कि महाराज हम तो क्या गुलाम, किस किस चीज़ की गुलामी अपनाई हुई। स्वयं जड़ वस्तु गुलाम बना सकती है क्या, आप जड़ वस्तुओं के गुलाम, आपने सर पर रखा हुआ है, वो जो आपके सर पे है, अपने आप आ गया, आपने रखा है, जब चाहोगे जब पटक सकते हो, नहीं उसमें बोझेगा कोई ना, कोई दोष दोष है क्या। बोझा को सर पे आपने रखा, बोझा को पटका आपने, क्योंकि जड़ है ना वो तो ऐसे नहीं कि उड़ करके, जैसे दिखाया जाता है टीवी पे कि उड़ करके सीधा सीधा, ऐसे तो है नहीं। सब कुछ अपने आप रखा हुआ है, सब जड़ वस्तु है, ये सब के सब क्या है, जड़। ये प्रशंसा, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति है, ये सब के सब क्या है, जड़ है। तो जड़ वस्तुओं को अपने सर पे रखे रखता है, बोझा मरता रहता है। एक जन्म मरे तो भी कोई बात नहीं, क्या है, जन्म जन्मांतर हो तक बोझा ही बोझा। भोला बाबा कहते हैं ना, लादा बहुत दिन बोझ, अब बोझा पटकना चाहिए।
बहुत दिन हो गए बोले डोते 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 रहेंगे क्या, पटक दो बोझे को, क्या करो सारे बोझे को पटक दो और निर्भर हो जाओ और आत्म कल्याण आत्म के लिए प्रयत्न, क्या करो आत्म कल्याण के अपनी चित्त स्थिति के अनुसार साधनों का अनुष्ठान करता हुआ व्यक्ति क्या होता है आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है, ठीक है ना। तो आनंद घन के लिए प्रयत्न करोगे, आनंदमय के लिए करोगे, प्रश्न पूछा ना हमने आपसे कि आनंद घन आत्मा प्राप्ति के लिए यत्न करोगे या आनंदमय है जो सुसुपति है या विषयों का जो है उसके लिए प्रयत्न करोगे या और भी जो नीची अवस्था बता दी वो विषयों में जो सुख का आभास है, सुख है नहीं, सुख का क्या है उसके लिए प्रयत्न करोगे, कहते वही कर लेंगे हम तो जो हम आदत बनी हुई हो, है ना, इसको तो करना बड़ा कठिन काम है क्योंकि आदत नहीं है ना, चढ़ाई चढ़ना कठिन काम और कहते उतरना हमारे लिए सरल काम है, लेकिन उतर जाओगे तो नरक में भी तो उतरे जा रहे हो, उतर कहाँ रहे हो, अब चढ़ोगे तो कहाँ चढ़ोगे, हाँ अपनी आत्मा में चढ़ जाऊँगे। चलो जी समझ गए आप लोग, समझदार हो, आगे बता दूँ, आगे देखिए नैवायमानन्दमयः परात्मा सोपाधिकत्वात् प्रकृतेर्विकारः कार्यत्वहेतोः सुकृता क्रियाया विकार संघात समाहितत्वा ना एव अयम आनंदमयः परात्मा सोपाधिकत्वात् प्रकृतेः विकारा कार्यत्वहेतोः सुकृतक्रियायाः विकारसंघात समाहितत्वात् न एव अयम् यह जो आनंदमय कोश है न एव परात्मा ये भी परात्मा नहीं ही है, ये जो आनंदमय जिसमें आनंद की प्रधानता रहती इसको ही आनंद घन समझ ले, इसी को क्या समझ ले, जैसे कोई व्यक्ति दर्शन के लिए आए कहाँ मान लीजिए ऋषिकेश और वो रुड़की को ही क्या समझ ले, ऋषिकेश समझ ले, क्या हो गया वो उसका भ्रम हो गया, अयथार्थ ज्ञान हो गया, यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। तो वैसे ही जानना किसको पाना किसको है आत्मा को, अनुभव किसका करना है आत्मा, है ना, लेकिन इस आनंदमय कोश को ही क्या समझ लेता है आत्मा समझ लेता है, वृत्ति बिल्कुल शांत हो गई है, संकल्प रहित हो गई है, किसी प्रकार का विक्षेप नहीं है, तो कहता है महाराज जो आनंद बना रहता है जो शांति बनी रहती है वो क्या है, अरे वो आनंदमय कोश नहीं है, आनंदमय जो मतलब वो आनंदमय कोश है वो आत्मा नहीं है, आत्मा तो वो जो आनंद को अनुभव कर रही है वृत्ति उसका भी साक्षी,
मृत्यु में जो आनंद बना हुआ है, जो आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, उसको भी जानने वाला तो अलग ही बैठा हुआ है। लेकिन जो जानने वाला होता है ना, जो तमाशा करते हैं, तमाशा बने हुए हैं, जो तमाशा रूप ही हैं, उनसे क्या पूछता है? तमाशे की विषय में पूछ रहा है, वास्तविकता के विषय में। वो क्या बताएंगे? जो तमाशा कर रहे हैं, जो तमाशा बने हुए हैं, जो तमाशे में डूबे हुए, वो तमाशे को बता पाएंगे क्या? कौन बताएगा? जो दूर देख रहा है, जो क्या है, दूर से जो देख रहा है, जो दूर से देख रहा है कि हाँ तमाशे में ये हो रहा है, वो बताएगा। सही बताया था ना आपको दृष्टांत कि महाभारत में भाई किसने मारा है सब, किसके कारण से विजय मिली है, वो सब लगे अपनी अपनी तरफ। अर्जुन कहे मेरे कारण, भीम कहे मेरे कारण, हैं बाकी सब लोग भी कहे, सब ने कहा कि वहाँ जाके पूछना चाहिए उससे, इससे बर्बरीक से, हाँ बर्बरीक से पूछना चाहिए, हैं जिसका सर काट करके और श्री कृष्ण ने पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। महाराज और भी कुछ नहीं, मैं महाभारत का युद्ध तो देख लूँ कम से कम, हैं मारूं। जब उसकी इच्छा प्रकट की तब उसको वहाँ पर स्थापित किया। उससे पूछा, हाँ भाई किसके कारण से विजय मिली, किसने सबको मारा है, शत्रु सेना का संहार किसने किया है, तो उसने क्या बताया? उसने कहा मैंने देखा एक काला सा आदमी खड़ा है, उस काले आदमी अपने हाथ में क्या लिया हुआ है, हाँ उसका जो सुदर्शन चक्र है वही सबका क्या है। अब कृष्ण कह दो तो कोई बात नहीं, काला कह दी तो क्या हो गया, बात हो गया है। कोई काला कहता है, कोई कल्लू, कल्लू भी तो कहते हैं, कोई कालू है, हाँ वैसा ही है। वैसे ही कहते श्री कृष्ण के चक्र ने क्या किया है, शत्रु सेना का, दुष्टों का, विधर्मियों का, आतताइयों का, पापियों का, सबका संहार किया ऐसा। तब सबका विमान क्या हुआ, चूर हो गया, खंडित हो। वैसे ही ये शरीर जो है ये आत्मा बना रहता है, फिर जो कुछ हूँ सो मैं हूँ, हैं फिर इससे ऊपर उठे तो प्राण में को आत्मा बना रहता है, कहते जो कुछ है सो मैं हूँ, मैं प्राण हूँ। फिर आगे सी बढ़ो थोड़ा सा तो ये जो मनोमय कोश है, कहते जो कुछ हूँ सो मैं हूँ, सबका सृष्टा मैं हूँ, सबकी कल्पना करने वाला मैं हूँ, सबको अपने अंदर समेट लेने वाला मैं हूँ, मैं ही हूँ शक्तिशाली। व्यक्ति भी कहता है हाँ भाई मन तेरे को नमस्कार है, तूने ही मेरे को नचाया हुआ है, तू ही है, तू ही मैं हूँ, तू ही आत्मा। लेकिन ये भी आत्मा नहीं है, ये बुद्धि अड़ी रहती है, सब जगह की अड़ी रहती है बुद्धि, ये बुद्धि अड़ी रहती है, कहती है कौन है आत्मा, बुद्धि कहती है मैं आत्मा। बुद्धि में क्या हो गया है, मैं पना हो गया, ये भी भ्रम ही है। उसके बाद बुद्धि आदि से ऊपर उठ गया है और क्या है, जिसको आनंद रूपा जो वृत्ति है, जो इष्ट वस्तु के दर्शन प्राप्ति सेवन के समय और सुसुप्ति में विशेष रूप से जो आनंद रूपा वृत्ति बनी रहती है, जिसको आनंदमय कोश कहते हैं, वो कहते हैं आत्मा। व्यक्ति को लगता है आनंदमय कोश ही आत्मा है, क्यों, आनंद को तो हम चाह ही रखे, हमारा चाह ही इसको रही थे, आनंद मिल गया, क्या मिल गया, आनंद मिल गया, आनंद ही आनंद। अरे ये जो वृत्ति है ये तो भाई क्या है, उत्पन्न होने वाली, विलय हो जाने वाली, क्या है, दृश्य भी है। चलो यहीं पर आएगा तो वहीं बताएंगे हम, आगे आ ही रहा ना इसी लाइन में। तो पहले यहाँ पर प्रतिज्ञा वाक्य है, प्रतिज्ञा वाक्य क्या है,
कि ये जो आनंदमय कोश है नैव परात्मा, ये भी परात्मा नहीं ही है, है ही नहीं, बिल्कुल बड़ा दुराग्रह रहता है व्यक्ति का। हमारा जिसमें तो दुराग्रह छोड़ दीजिए, हमारा तो शरीर में ही दुराग्रह बना रहता है। क्या बना रहता है? मैं शरीर हूँ, मोटा पतला हूँ, सुंदर असुंदर हूँ, काला गोरा हूँ, स्वस्थ रोगी हूँ, पहलवान हूँ और बड़ा श्रेष्ठ धावक हूँ, ये सब क्या बना रहता है? बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, ये अनेकों क्या बने रहते हैं? शरीर को ही लेकर के मैं पना बना रहता है कि मैं क्या हूँ? मैं शरीर। इसी में दुराग्रह है, कहना छूटे नहीं, छूटता संसारी को तो छूटे कैसे, उपरेतन ही नहीं करते उनका तो ये विषय ही नहीं, वो तो चिंतन ही नहीं करते। लेकिन जो साधक लोग है उनका भी शरीर में क्या बना रहता है? अभिनिवेश बना रहे हैं, मैं शरीर स्पष्ट देखता है, पैदा हुआ अभी अभी मर जाएगा कुछ दिन में, है इससे पहले कितने पता नहीं कितने शरीर धारण कर करके छोड़ दिए, तो ये आत्मा हो सकता है? ये प्राणमय कोश विकारी विकार वायु का ये आत्मा हो सकता है क्या? ये मनोमय कोश भी दृश्य जड़ विकारी है, ये भी आत्मा हो सकता है क्या? ये जो विज्ञानमय कोश रूप बुद्धि है ये भी वही है, जड़ है, दृश्य है, विकारी है, व्यभिचारी है और क्या बताया था, परिवर्तन परिच्छिन्न तत्व हेतु का सीमित है, ये भी क्या है? ये भी आत्मा नहीं हो सकता। आनंदमय कोश बड़ी दूर पहुंच गया है ना व्यक्ति, ऐसा ही होता है। केदारनाथ जी के दर्शन के लिए चल रहा है, पैदल पैदल चढ़ाई कर रहा है और बीच में आ गया कोई छोटा मोटा मंदिर है, बहुत दूर चढ़ चुका है, भूखा प्यासा थक गया है, तो सोचता है यही क्या है? ये लोग नीलकंठ का उद्देश्य लेकर के चलेंगे और बीच में जल चढ़ा करके नहीं, वो तो सोचेंगे भाई यहीं से हो गया हमारा, तो पहले बड़ी हिम्मत थी, जब गंगा जी से जल भरा तब तक तो हिम्मत ही, नीलकंठ के चंद्रकांत रोज चढ़ाते कि हमारा जन्म दिन में दो बार चढ़ा देंगे, लेकिन जब चढ़ाई शुरू कर ली है, चढ़ना शुरू किया तो फिर क्या हुआ है? मैंने सोचा भाई कहीं बीच में शंकर जी मेरे से तो है नहीं ज़्यादा, तू ही आ जा, कहीं आके बैठ जा, वहीं नुहा दूंगा तेरे को, नुहाना ही तो है, है? वैसा ही धैर्य जवाब दे जाता है, इच्छा शक्ति मजबूत है, हाँ धैर्य जवाब दे जाता है ना। तो वैसे ही साधक लोगों की बता रहे हैं, स्थूल शरीर में से निकला, फिर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश पार होता होता आनंदमय कोश तक पहुँचते पहुँचते महाराज घुटने टिक गए, थक गया, अब तो बस ये आनंदमय कोश ही आत्मा है, बाकी बाद में देखेंगे, बाकी क्या करेंगे अगले जन्म, हाँ हमें अगले जन्म में देखेंगे, आनंदमय कोश ही आत्मा, इसको आत्मा मान लेने दो आप, ये भी आत्मा नहीं है। क्यों आत्मा नहीं है? तो बतला रहे सोपाधिकत्वात्, क्या है सोपाधिक होने से, उपाधि वाला होने से, उपाधि क्या है? इसकी वृत्ति ही है, क्या है वृत्ति, उपाधि क्या है वृत्ति, वृत्ति रूप है। एक तो सोपाधिक होने से, और आत्मा क्या है? सोपाधिक है, निरुपाधिक, निरुपाधिक उपाधि से क्या हो जाता है? सीमित हो जाता है, और निरुपाधि जो है वो व्यापक, व्यापक है, आत्मा व्यापक है, लेकिन ये आनंदमय कोश क्या है? सोपाधिक होने से क्या है? परिच्छिन्न, क्या है? परिच्छिन्न। प्रकृति है विकारा, और प्रकृति का क्या है? विकार है, ये जो वृत्ति है
आनंदमय रूप, ये क्या है? प्रकृति का विकार ही है ना, बता दिया तमो तमोजृंभता, तमोगुण से उत्पन्न हुई है। तो ये जो वृत्ति है ये प्रकृति का ही, माया का ही विकार है, कार्य है। विकारात एक तो विकारी हो गया, दूसरा सोपाधिक होने से परिच्छिन्न हो गया ये आनंदमय कोष। कार्यत्व हेतु हो सुकृता क्रियायाः, और जो पुण्य कर्म है, शुभ कर्म है, उन शुभ कर्मों का क्या है? ये कार्य है। शुभ कर्मों का कार्य क्या? आनंदमय कोष रूप वृत्ति, ये क्या है? शुभ कर्मों का कार्य, कार्य फल होने से। कैसे? नींद भी इसलिए कहते हैं ना कि भाई पुण्यात्मा है, क्या बोल देते हैं? पुण्यात्मा, ये पुण्यात्मा है, इसीलिए इसको क्या आ जाती है? नींद आ जाती है, नींद जल्दी आ जाती है। और कई लोगों को नींद आती ही नहीं है, वो परेशान रहते हैं। तो थोड़े बहुत पुण्य उन्होंने क्या किया है? पुण्य कम किए नहीं, हमारे तो इसको भी मानते हैं ना न्यायिकों की तरह, केवल दुख का अभाव नहीं मानते सुसुप्ति, वो तो पुण्य नहीं मानेंगे। न्यायिक लोग तो कहते हैं सुसुप्ति कुछ भी नहीं, सुसुप्ति क्या है? केवल दुख का अभाव है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं, वेदांत में तो क्या मानते हैं? अभाव रूप नहीं मानते इसको, इसको भी क्या मानते हैं? इसको भी सुख का अनुभव मानते, केवल दुखाभाव नहीं, सुख का अनुभव। आत्मा के आनंद का अनुभव होता है आनंदमय कोष में, सुसुप्ति में भी। ये केवल क्या है? दुख का अभाव रूप नहीं हुआ, ये भी भाव रूप ही है। इसलिए शुभ कर्मों का ये क्या है? फल है, फल है नींद। और बहुत ज़्यादा शुभ कर्मों का फल मत मान लेना। योग दर्शन में इसको कहा है वृथा काल क्षपणम, समय की बर्बादी। नींद को क्या कहा है? समय बर्बाद करना, और कुछ नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उत्तर ज़्यादा अच्छा देते हैं, वे योगी है, समझदार है। वे कहते सब कुछ क्या होना चाहिए? यदि सीमित है, मर्यादित है, तो सब कुछ अमृत के समान है, और कम हो और अधिक हो तो विषतुल्य हो जाता है। जैसे नमक यदि कम हो तो भी आनंद नहीं, और ज़्यादा हो तो भी आनंद, ठीक ठीक हो तो ठीक ठीक ही ठीक रहता है ना। तो वैसे ही कह दिया, भूखा मरना भी समझदारी नहीं, अब बहुत ज़्यादा खा लेना भी ठीक ठीक। युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा कर्मसु, युक्त स्वप्न, युक्त अवबोध, योगो भवति, इसी को योग का, ऐसा जो योग है दुखहा भवति। हटनी, इसलिए हटनी होना चाहिए, है ना? हट किसने होना चाहिए? है त्याग तप संयम साधना, इनमें तो हट करें, लेकिन इनमें क्या होना चाहिए? जीवन में तो लचीला ही ठीक रहता है। युक्त आहार होना चाहिए, सीमित आहार करें। जब भूख हो, ऐसे नहीं कि भूख नहीं लगी फिर भी खा लें, तो फिर विष के समान हो जाता है। भूख हो तो ग्रहण करना चाहिए, युक्त आहार, युक्त विहार, हैं विहार करना हो, घूमना हो, भी क्या होना चाहिए? हैं युक्त चेष्टा कर्मसु, कर्मों में जो चेष्टा करना है वो भी क्या होना चाहिए? युक्त। हाँ, ये तो बिल्कुल ही ना करें, वो भी बेवकूफ़ी, और बस हर समय करता ही रहे है? वो भी क्या है? वो मूढ़ता है, वो भी क्या होती है? मूढ़ता ही होती है। शांति से बैठे नहीं, विचार नहीं करे, चिंतन नहीं करे, तो क्या है? बस लोभ के कारण से लगा हुआ, लगा हुआ। युक्त स्वप्न, सोना भी क्या है? युक्त होना चाहिए, ठीक है, सोना भी। और युक्त अवबोध, जागना भी क्या होना चाहिए? युक्त होना चाहिए। अब सोने के ऊपर तो बताया था ना हमने, कहते चार घंटे सोता है योगी और छः घंटे सोता है भोगी और आठ घंटे सोता है महाराज। योगी तो हम हो नहीं सकते, पर भोगी भी नहीं रहेंगे हम, तो रोगी बनेंगे।
क्या योगी तो बन नहीं सकते, चार घंटे योगी और छह घंटे के बाद भोगी, भोगी तो बिल्कुल नहीं बनना है। क्या बनना है? आठ घंटे वाले कहते हैं छूट भी है उसमें। रोगी बन के व्यक्ति को बड़ी प्रसन्नता होती है, क्यों? सबकी सहानुभूति मिलती है ना। तो आपको कोई तकलीफ है बता नहीं क्या जरूरत है भाई, तो तकलीफ है उपचार करा लो, चलो ठीक है। कैसे क्या बताऊं जी, मूर्ख व्यक्ति जो बांट रहा है ना वही मिलेगा। ये जो अपने दुख पीड़ा बताते हैं वो क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, मिलेगा क्या? जो दिया है, जो बोया है वही तो। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं अपने दुख कभी किसी को मत, सुख का समय है तो समाज के बीच में रहो, और जब आपके ऊपर दुख आए, तकलीफ हो, पीड़ा हो, मिलो ही मत किसी से, ठीक है ना। क्यों बिना बात दूसरों का सहारा और सहानुभूति और कृपा चाहना है, क्यों? और आदत पड़ी क्या जी, भिखारी हम तो, हम तो मांगना नहीं जानते हैं, देना तो हम जानते ही नहीं, कोई दो हिम्मत दे दे हमें, खुद के पास हिम्मत नहीं है तो क्या करेगा, दूसरे से मांगेगा। बड़े बड़े विचित्र, कितना कमजोर हो गया, कितना गुलाम हो गया, गुलामी ही इसको प्रिय लगती है। इन लोग कहते हैं कि महाराज हम तो गुलाम रहे हैं ना, हम तो गुलाम तो रह सकते हैं, आप कहो कि मालिक बनना तो कठिन काम होता है। एक इन लोग कहते हैं कि हम तो करना पड़े वो ठीक, कराना कठिन काम है। कराना किसका है, मालिक का काम और करना। कह जी कर तो फिर भी सकते हैं, पर आजकल के तौर भी ज़्यादा बुद्धिमान है, कह जी ना तो कर सकते और ना करा सकते, ठीक है ना, हम तो तीसरे ही है, एंजॉय कर सकते, कुछ नहीं कर सकते वो तमोगुण में जी सकते हैं, जो कर ना सके, करा ना सके वो किसमें, तमोगुण में। हाँ अच्छा, तो क्या कह रहे हैं हम कि इस तरह व्यक्ति क्या बनता है, गुलाम बना रहे, क्या बना रहता है, गुलाम बना रहता है। तो युक्त होना चाहिए सब कुछ, सब कुछ मर्यादित होना चाहिए, अति नहीं होना चाहिए कुछ भी, सब कुछ मध्यम में होना चाहिए। बीच में आप पता नहीं कहाँ चली गई गाड़ी, हैं चलो यहीं पर देख, सुकृता क्रियायाः कार्यत्व हेतु, जो शुभ कर्म है पुण्य कर्म उनका कार्य होने से, ये जो आनंदमय कोश है ये भी क्या है, ये भी कार्य रूप है, आत्मा नहीं हो सकता। कितने हेतु दे दिए, सोपाधिकत्वात् प्रकृते विकारात् कार्यत्व हेतु, तीन तो दे दिए आपको, इतने हेतु हो गए हैं, एक भी पर्याप्त था, एक कारण बता दो, क्या कर दो। मास्टर जी पूछे भाई क्यों नहीं आए विद्यालय, कितने कारण बताने चाहिए, एक बता दो, चार पांच बता दे तो मास्टर जी कहेंगे भाई फिर तो कोई बात नहीं। तो वैसे ही एक से भी छुटकारा मिल जाता, लेकिन कितने बता दिए, तीन बता दिए हैं, चौथा भी सुन लीजिए, विकार संघात समाहितत्वात्, जो विकार है प्रकृति के, उन विकारों का जो संघात समूह समाहितत्वात्, उसके आश्रित होने से, उसमें ही समाहित होने से, संघात में ये आनंदमय कोश क्या है, संघात के आश्रित, प्रकृति के विकारों का जो संघात है उनके आश्रित है। अब शरीर में लग गई चोट, आनंदमय कोश बना हुआ है क्या, क्या बना हुआ है, दुखमय कोश, और कोई वस्तु लड्डू मिल गया था और घर से बंदर आया झपट्टा मार के चला गया,
है, लड्डू क्या है, प्रकृति का विकार है ना, प्रकृति के विकारों का क्या है ये संघात है, जैसे पांच भूतों का संघात है ऐसे इसमें भी क्या है, मीठा घी पृथ्वी तत्व जल तत्व वायु तत्व अग्नि तत्व मिलकर के लड्डू बना है ना, है। और यदि बीच में से खाली जगह होगी तो आकाश तत्व भी है उसमें, और है भी बीच बीच में है ना, लड्डू के बीच बीच में पांचों तत्व बने हुए हैं। पार्थिव तत्व की प्रधानता है, जैसे हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व अधिक है, उसके बाद जल तत्व है, हैं उससे थोड़ा कम, और उससे फिर है अग्नि तत्व है, फिर वायु तत्व है, और फिर आकाश तत्व, पांचों से बना है ना ये शरीर। वैसे ही लड्डू, लड्डू छीन के चला गया बंदर, क्या होगा फिर, आनंदमय बोस गायब। अरे क्या बात, क्यों उदास, क्यों रो रहा है बच्चा, कि मेरा आनंदमय कोष लेकर के चला गया। क्योंकि आपका जो आनंदमय कोष है वो क्या बतलाया है, विकार संघात समाहितत्व, प्रकृति के जो विकार है कार्य पर, उन कार्यों का जो समूह है, जैसे ये सब क्या है, प्रकृति के विकार है ना, कार्य है ना, पृथ्वी अग्नि वायु जल, पृथ्वी पेड़ अन्न जल औषधि है, व्यक्ति वस्तु सबके सब क्या है, प्रकृति के विकार है, कार्य है। तो प्रकृति के विकारों का समूह है, उस समूह के आश्रित क्या रहता है, ये आनंदमय कोष रहता है, है। तो कितने हेतु बता दिए, चार हेतु, परतंत्र गुलाम हो गया ना ये, ये क्या हो गया, गुलाम है। जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा, आनंदमय कोष की अनुभूति नहीं आएगी, क्या महाराज, अब तो दुख की अनुभूति हो रही है, क्या अनुभव हो रहा है, आनंदमय कोष का अनुभव हो रहा है, कर्ज में डूबा हुआ है तो किसका अनुभव हो रहा है, आनंदमय कोष का अनुभव हो रहा है, नहीं हो रहा है। वैसे ही प्रतिकूलता समस्या बनी हुई है तो आनंदमय कोष का अनुभव नहीं होता है। ये तो कब अनुभव होता है, जब अभीष्ट वस्तु दर्शन हो जाए, अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाए, अभीष्ट वस्तु को सेवन करें, तब क्या होता है, आनंद बना हुआ है, आनंद बना हुआ है, भोजन कर रहा है, और भोजन करते करते लड्डू खाते खाते गुलाब जामुन खाते खाते आनंदमय कोष का अनुभव कर रहा है, उसके मुख पे देख रहा है, भाई आनंद आ रहा है इसके, है बच्चे के मुख के नीम की पत्तियों का रस लगा दो, है फिर देखो इसका, और मीठा शहद का रस लगा, शहद लगा दो तो शहद की बूंद, तो पता लगता है ना आनंदमय कोष। इष्ट वस्तु के, अब किसकी क्या इष्ट हो सकती है वो अलग बात है, ठीक है ना, सबकी इष्ट अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे जिसको शुगर है उसका इष्ट क्या है, करेला, करेले की सब्जी, करेले की सब्जी, करेले की सब्जी बहुत अच्छी है, बहुत स्वादिष्ट होती, बहुत बढ़िया होती, कड़वा है, हाँ उसके लिए क्या है, वो अमृत है ना, कड़वी चीज़ें उसको क्या लगती है, वही उसके लिए आनंद में कह रही, बहुत आनंद आता है। दूसरे को कह कहने मैं नहीं हूँ भाई, हमें तो मीठा लेकर, वैसे ही तो सबकी इष्ट वस्तु भिन्न भिन्न होती है, सबकी भिन्न भिन्न बताइए ना, हाँ किसी को गर्मी इष्ट है, किसी को सर्दी अभीष्ट है, किसी को वर्षा अभीष्ट है, किसी को वर्षा न होना अभीष्ट है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, जितनी खोपड़ी उतनी ही सबकी अलग अलग इच्छा, अलग अलग चाह है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना है, ये मुंडा है ना, सबकी क्या है, इस मुंडे में अलग अलग बुद्धि है सबकी, हाँ बुद्धि तो वही, बुद्धिमान तो वही है केवल, कौन जो तत्व प्राप्ति जिसके जीवन का लक्ष्य है, और उसके लिए ही निरंतर प्रयत्नशील है, प्रयास युक्त जो है केवल बुद्धिमान तो वही, बाकी सब तो क्या है, बुद्धि ही, सबके सब भोला बाबा कहते हैं ना कि भूल गया,
दारा करी बच्चे बनाए, धन कमाया मूढ़ ने। क्या बताया? दारा करी बच्चे बनाए, धन कमाया मूढ़ ने। सामग्री सब है रुदन की, क्या खूब कमाया मूढ़ ने। सब का सब क्या है? रोने की समान इकट्ठे कर लिए। समझे सब क्या है? रोने के समान है। नहीं, हाँ, पहले बीमार हुए अपना शरीर, उसकी परेशानी थी, अब घरवाली भी हो गई, अब हाँ उसकी भी हो गई, फिर दो चार बच्चे भी हो गए, बस यही अपने बोझ अपने धन भी कमाया, तो क्या है? रोने के लिए ही है धन भी। कोई ले ना ले, खर्च ना हो जाए, नाश ना हो जाए, ठीक है, उठा के ना भाग जाए, तो उसके निरंतर रक्षण में ही लगा रहता है। तो सामग्री सब है रुदन की, रोने 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 की सामग्री इकट्ठे करता रहता है, फिर कहता रोता है, जोर जोर से रो रहा है। अरे भाई, किस किस को रोएगा ये बता? हैं, धन को रोएगा, पद को रोएगा, हैं, संतान को रोएगा, घरवाली को रोएगा, किस किस को रोएगा? क्या हमारा सबको रोना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सबको रोना पड़ेगा, बारी बारी। जब सब इकट्ठे किए हैं तो रोना पड़ेगा, रोना तो पड़ेगा ही ना सबको। आसक्ति पूर्वक क्या किए? संग्रह किए हैं, इस कारण से रोना तो पड़ेगा, होता रहे। ठीक है, तेरा काम क्या है? हाँ जी, समझ आया जी? क्या बतलाया है? ये आनंदमय कोश जो है परात्मा नहीं ही है, कि परात्मा परमात्मा नहीं है। क्यों नहीं है? कारण बताइए। कि आपके कहने मात्र, हमारे शास्त्रों की भाषा कहते हैं लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो प्रतिज्ञा मात्रेण, कहने मात्र से किसी बात की सिद्धि नहीं होती है, प्रमाण होने चाहिए। क्या होने चाहिए? प्रमाण होना चाहिए। तो हमारे यहाँ ये श्रद्धा वाला विषय कम चलता है। श्रद्धा तो हो, हैं, शास्त्र में, गुरु वचन में क्या होनी चाहिए? श्रद्धा हो। लेकिन श्रद्धा का मतलब ये नहीं है कि विचार ना हो। श्रद्धा तो हो, उसको सत्य स्वीकार करें, लेकिन विचार करें। जब आपके अनुभव में आ गया वास्तविक सत्य को, तब भी ना? वास्तविक सत्य कब हुआ? तब हुआ। तो इसलिए कहने मात्र से कि कह दिया तो वस्तु की सिद्धि नहीं होती है। लक्षण प्रमाण, लक्षण दो, प्रमाण दो, तो लक्षण भी बता दिया। क्या लक्षण बताया है? आनंद स्वरूप आत्मा के प्रतिबिंब का स्पर्श करती हुई तमोगुण की जो वृत्ति है आनंद रूपा, वही क्या है? आनंदमय कोश है। लक्षण बता दिया। अब प्रमाण दे रहे हैं, आज परमात्मा क्यों नहीं है ये? सोपाधिकत्वात्। एक तो क्या है? उपाधि वाली है वृत्ति, उपाधि वाली होने से। आनंदमय कोश क्या है? इसकी उपाधि क्या है? वृत्ति ही। और प्रकृति का विकार होने से क्या है? वृत्ति क्या है? प्रकृति का विकार ही है, अविद्या भी। कार्यत्व हेतु हो सुकृता क्रिया, या पुण्य कर्मों का क्या है? ये कार्य होने से कार्य हो गया। और विकार संघात समाहितत्वात्, विकारों का जो समूह है उसके आश्रित होने से, इसके आश्रित रहने के कारण से ये आनंदमय कोश आत्मा नहीं। समझ आ गए? अब आप ये सोच रहे होंगे कि जल्दी जल्दी क्यों नहीं बता रहे? पांच कोशों का स्वरूप बतलाने में इतना समय क्यों लगा दिया? जल्दी जल्दी बता देते। यदि धीरे धीरे भी चिंतन निश्चय और अनुभव में आ जाए तो बड़ी बात समझ। तेजी से तो छोड़ ही दीजिए, धीरे धीरे भी क्या समझ में,
ये समझ में भी आ जाए और ये चिंतन और निश्चय हो करके अनुभव में आ जाए, क्या समझना? आज बड़ी बात समझना, इस शरीर के अंतिम श्वास आने से पूर्व भी यदि अनुभव में आ गया मुक्त हो, अंतिम श्वास निकलने वाला था, ब्रह्म चिंतन चल रहा है, विचार कर रहा है, अनात्मा का निषेध कर रहा है, तो करते करते अंतिम श्वास निकलने वाला था, तो तब क्या हो गया उसको? आत्मा, अपनी आत्मा का अनुभव हो गया, तो समझो क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ जी, हाँ, तो इसलिए शीघ्रता करने की आवश्यकता, लेकिन लगन तो होनी ही चाहिए, निरंतरता तो होनी ही चाहिए, गंभीरता अंतर्मुखता तो होनी ही चाहिए। अंतर्मुखी होना तो साधक का पहले क्या है? पहला कर्तव्य है। और अंतर्मुखी जो वैराग्यवान है वही हो सकता है, बाकी तो सब क्या बने रहेंगे? बहिर्मुखी बने रहेंगे। वैराग्यवान जो है वो अंतर्मुखी स्वतः हो जाता है, उसको मतलब सीधा लक्ष्य से, मतलब किससे है उसको? लक्ष्य। तो लक्ष्य की प्राप्ति में जो सहायक सिद्ध होने वाले है वो साधन, चाहे वो सत्य भाषण हो, चाहे वो संतोष हो, चाहे वो सरलता हो, तो ये सब के सब क्या है? चाहे विचार हो, ये सब के सब लक्ष्य प्राप्ति में सहायक साधन बनते हैं। तो उसकी तो प्रीति साध्य से है, और साध्य में होने से फिर साधनों में भी प्रीति होती है, नहीं होती? होती है। साधनों में है, जैसे भूख मिटाने में क्या है? लक्ष्य है। तो इसलिए भूख कौन मिटाते? भोजन है, या भोजन जुटाने के जो साधन है, प्रयत्न है, वो सब के सब क्या है? भूख मिटाने में सहायक है, इसलिए उसमें भी क्या होती है? प्रीति होती है ना। भोजन में प्रीति है तो भोजन की सामग्री जो है उनमें प्रीति नहीं है क्या? है, प्रीति है ना। वैसे तो जिसकी साध्य है, साध्य क्या है? तत्वानुभव, आत्मस्वरूप का अपरोक्ष अनुभव, ये साध्य है। और उसकी प्राप्ति के साधन क्या है? अंत में तो ज्ञान है, लेकिन उससे पहले क्या है? उससे पहले तो और भी ज़्यादा स्थूल में जाएंगे तो जितने भी सत्कर्म हैं वो सब के सब क्या है? साधन है। उसके पश्चात तो विवेक, वैराग्य, सट संपत्ति और मोक्षता, और फिर श्रवण मनन निधिध्यासन और तत्वम पद का शोधन, ये सब क्या है? साधन है, ये सब साधन। और साधनों के द्वारा क्या होता है? साध्य तक पहुंचा देता है। साधन वही जो साध्य तक पहुंचाए, साध्य से मिलाए, वही क्या है? वही साधन, वही साधन दूर लेकर के जाए। ये जो मोह है, ये जो लोभ है, ये जो आसक्ति है, ये जो बहिर्मुखता है, ये जो राग है, ये क्या करते हैं आपको? साध्य से बहुत दूर कर देते हैं, है? अंधेरे में ले जा करके फेंक देते हैं आप। हाँ, फेंक देते हैं। असूरिया नाम ते लोका अंधेना तमसा व्रता तांस्ते प्रेत्या भी गच्छन्ति एके चात महानो जना, ईशावास्य उपनिषद। ऐसी कैसी सुंदर श्लोक है, ये के चात महाना जना, जो अपनी आत्मा का हत्या करने वाले लोग। आत्महत्या करना क्या है? आत्म प्राप्ति का यतन न करना, आत्मचिंतन न करना, विषयों की आसक्ति न छोड़ना, यही क्या है? आत्मा की हत्या। और कोई हत्या थोड़ा है, आत्मा कोई हत्या कर सकता है? तो ऐसे स्थूल रूप में कह दिया जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली, मतलब शरीर की हत्या कर दी। आत्मा की हत्या कर सकता है कोई? लेकिन आत्महत्यारा कौन बड़ा है? जिसने शरीर को छोड़ दिया वो बड़ा नहीं है। कौन आत्महत्यारा है?
जो आप प्राप्ति के लिए यतन न करे, संसार के लोग मोह स्वार्थ आसक्ति भोजन आच्छादन वस्त्र आभूषण इनमें ही लगा रहे, वो सब के सब क्या है? आत्महत्या। ये के चात महना जाना, जो आत्महत्या करने वाले लोग है कहाँ जाते? असूर्या नाम ते लोका, जहां पर प्रकाश विहीन असूर्य ना सूर्या, सूर्य प्रकाश पुंज प्रकाश स्वरूप, तो क्या उनके लिए क्या कहा है? असूर्या नाम ते लोका, जहां पर प्रकाश नहीं है अंधकार है, जहां पर क्या है? अंधकार ही अंधकार है। ऐसे असूर्या नाम ते लोका अंधेरा तमसावृता, तमोगुण से जो आवृत है, है? अंधेरा जिन्होंने क्या कर दिया है, जीव को अंधा बना दिया है। ऐसे अंधकार पूर्ण प्रकाश रहित तमोगुण लोकों में प्रेत्य इह गच्छंती, शरीर छूटने के बाद वे लोग जाते हैं। कौन? जो मानव शरीर पा करके आत्महत्या कर, परिणाम पर विचार कर लो। अभी तो व्यक्ति स्वास्थ्य में लोभ में है, इन चीजों में क्या रहता है? प्रसन्न रहता है, समय बीतता जा रहा है, प्रसन्न है कि महाराज इतनी उम्र बीत गई, ये भी बीत जाएगी, यहाँ क्या कुछ किया, ये भी बीत जाएगी, खुश हो रहा है। कहाँ जाएगा ये पता है? है अंधकार पूर्ण लोक में जाए, अंधकार तो ये जो माता के गर्भ में जाना ये भी क्या है? ये भी असूर्या लोक ही है, है? और मनुष्य शरीर मिल गया और ज्ञान नहीं मिला तब भी क्या है? असूर्य लोक, जिसके जीवन में प्रकाश नहीं, जिसके जीवन में विवेक का ज्ञान का प्रकाश नहीं, वो क्या है? दुनिया को देखो, वो ऐसे लोग अंधकार में जी रहे हैं। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा व्यापार, मेरी क्या है? ये अंधकार पूर्ण ही अंधेरा ही है, सच्चाई से परिचित नहीं है, सब छूट जाएगा, ये रह जाएगा, पता नहीं कहाँ धक्के खाएगा, तो पता नहीं तेरी कर्म वासना संस्कार तेरे को कहाँ फेंके। अभी कर ले जो करना है, अभी कर ले जो करना है, न फिर मौका है, देख समय तो ज़्यादा हो गया, जितना बाकी का विचार कर। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य